ओके तो मेरे पास यहाँ पे एक डेक ऑफ कार्ड्स है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो सारे कार्ड्स जो है वो बिल्कुल अलग है। अभी जो स्पेक्टेटर है वो कोई भी एक सिलेक्शन करेगा रैंडमली, मान लेते हैं उसने सिलेक्ट किया ये वाला, एंड इस कार्ड को अभी हम लोग साइड में रखते हैं, इसको अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको और दो कार्ड दिखाना चाहूँगा जो कि है दो आइडेंटिकल जोकर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो सिलेक्शन है उसको देखते हैं। तो सिलेक्शन है हमारा 10 of clubs, तो अभी हम क्या करेंगे इस 10 of clubs को जोकर के बीच में रख देंगे, बट फेस अप नहीं, इसको अभी हम लोग कुछ इस तरीके से फेस डाउन रख देंगे, और फिर इन तीन कार्ड को मैं रख दूंगा टेबल पे कुछ इस तरीके से। अभी जो हम एक दूसरा सिलेक्शन करवाएंगे स्पेक्टेटर से, तो स्पेक्टेटर जो है वो कहीं भी स्टॉप कर देगा, मान लेते हैं उसने स्टॉप किया यहाँ पे, तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ हार्ट्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे इस क्वीन ऑफ हार्ट्स को लेंगे, और अगर मैं इसको रख देता हूँ स्पेक्टेटर का जो पहला सिलेक्शन है उसके ऊपर, और कुछ इस तरीके से फ्लिक करता हूँ, तो जो पहला सिलेक्शन है वो ऊपर जंप हो जाता है 10 of clubs, और दोनों जोकर के बीच में जो कार्ड है वो हो जाता है आपका सेकंड सिलेक्शन क्वीन ऑफ हार्ट्स, ठीक है। तो यही है सैंडविच स्विच। ओके तो अभी अगर हम लोग बात करें कि आप इस ट्रिक को करोगे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्विच है वो थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है देखने में, एंड नॉर्मल डेक से करना भी वो थोड़ा इम्पॉसिबल ही होता है, इसीलिए हमने जो है यहाँ पे दोनों डुप्लीकेट का यूज़ किया है। यहाँ पे मेरे पास क्वीन ऑफ हार्ट्स है, दो क्वीन ऑफ हार्ट्स, ठीक है। अब कुछ कुछ डेक्स में जो है पहले से आपको एक एक्स्ट्रा डुप्लीकेट कार्ड दिया जाता है, जैसे नॉक में एक एक्स्ट्रा क्वीन ऑफ हार्ट्स मुझे दिया गया था। अगर आपके पास ऐसा कोई डेक नहीं है, आप कोई दूसरे डेक से एक कार्ड ले सकते हो जिसका बैक डिज़ाइन सेम हो, और आप जो है आपके पास एक डुप्लीकेट कार्ड हो जाएगा, एंड उसके बाद आप जो है ट्रिक को कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जो है दोनों आइडेंटिकल जोकर चाहिए, अगर आइडेंटिकल नहीं भी है तो आप दोनों ब्लैक एसेस ले सकते हो, या फिर कोई भी पेयर हो सकता है, वो 4 का पेयर हो गया 5 का पेयर, बस थोड़ा मतलब पेयर टाइप का या सिमिलर कार्ड्स होने चाहिए, इससे जो सैंडविच का जो इफेक्ट है वो काफ़ी बढ़िया होता है इसमें, ठीक है। बात करें, अभी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि ट्रिक कैसे काम करता है, और बाद में मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोनों जो आइडेंटिकल क्वींस हैं, जो डुप्लीकेट्स हैं, वो मैं रख दूंगा डेक के ऊपर, एंड फिर उसके बाद हम जो है दोनों जोकर को लेंगे, उसको रख देंगे डेक के ऊपर। एक मैं कार्ड सेलेक्ट करवाता हूँ, मान लेते हैं ये वाला, एंड फिर मैं बोलूँगा कि अभी नहीं देखना है, बाद में देखना है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, दोनों जोकर को इंट्रोड्यूस करूँगा। उसी बहाने जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैंने जो ऊपर का क्वीन ऑफ हार्ट्स के ऊपर एक मैंने ब्रेक ले लिया, एंड फिर मैं इन दोनों जोकर को इसके ऊपर पलटूंगा। अब तीनों कार्ड को क्वीन के साथ मैं इस तरीके से लिफ्ट करूंगा, एंड उसके बाद जो है मैं इस तरीके से ऊपर का जोकर को स्लाइड करके कुछ इस तरीके से कार्ड्स को अलाइन करूंगा, ठीक है। इसको मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी जो है यहाँ पे जोकर है, उसके ठीक नीचे मेरा दूसरा क्वीन है, मतलब पहला मतलब एक क्वीन है सॉरी, एंड फिर उसके नीचे जोकर है, एंड यहाँ पे जो है ये जो सिलेक्शन है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप सिलेक्शन देख लो, एंड फिर हम सिलेक्शन देखते हैं 5 of clubs, फिर मैं बोलता हूँ कि इस कार्ड को अभी हम लोग रख देंगे दोनों जोकर के बीच में, बट फेस अप नहीं रखेंगे, इसको रख देंगे फेस डाउन। एंड ये जो मूव है ये थोड़ा क्रिटिकल है करना, बट ये कुछ इस तरीके का लगता है देखने में, जिसमें आप जो है 5 of clubs को नीचे ही रखते हो, एंड क्वीन जो है वो बीच में रहता है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको जल्दी करते हो, और फिर वही उसी वक्त जो आपने वो स्विच कर दिया होता है, एंड फिर इसको जो आप डेक में रखते हो, मतलब टेबल पे रखते हो, फिर इसके बाद जो आप एक रिफुल फोर्स करते हो, एंड रिफुल फोर्स करने के बाद आप एक डबल लिफ्ट करोगे, आप उसको फ्लिप करोगे, क्वीन दिखाओगे, एंड फिर ऊपर का जो सिलेक्शन है 5 of clubs उसको लेके आप ऐसे वेव करते हो, एंड फिर दिखाते हो कि वो जो कार्ड ऊपर जंप हो चुका है, एंड जो क्वीन है बीच में वो आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ कि कैसे कैसे सारे स्लाइड्स वगैरह करना है, सो लेट्स गेट इनटू इट। करें सेटअप का, सेटअप मैंने पहले ही बताया हुआ, पहले जाएगा दोनों क्वीन, एंड फिर उसके ऊपर जाएगा दोनों जोकर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर आप क्या करोगे, आप स्पेक्टेटर के पास जाओगे, जाने से मतलब ट्रिक करने के पहले आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी फॉल्स कट वगैरह कर सकते हो, या कोई भी आप एक रिफिल शफल भी कर सकते हो, जस्ट मेक श्योर कि जो ऊपर के 4 कार्ड है वो वही पे रहे, ठीक है। एंड इसके बाद जो है आप डेक को भी दिखा सकते हो कि सारे कार्ड्स जो है वो मिक्सडअप है, एंड दिखाने के बाद आप क्या करोगे, आप स्पेक्टेटर को बोलोगे कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करने, मान लेते हो उसने सिलेक्ट किया है ये वाला, एंड सिलेक्ट करने के बाद आप उसको कह सकते हो कि आप वो जो सिलेक्शन है वो टेबल पे रख दो, अभी देखना मत। अगर टेबल नहीं है आपके पास, आप उसका जो मतलब आप उसको ऐसे पकड़ने बोल सकते हो, ठीक है, हाथ में, या फिर आप उसको ऐसे हाथ के ऊपर फोल्ड करके भी रखने बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस कार्ड नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि कार्ड देखने से पहले आप दोनों जोकर को इंट्रोड्यूस करोगे, तो आपने टेबल पे रखा, आप फिर बताना कि ये कार्ड देखने से पहले मेरे पास और दो एक्स्ट्रा कार्ड है, वो मैं आपको दिखाऊंगा
एंड अभी आप क्या करोगे, अभी आप एक ब्रेक लेने के जो है पोजीशन में जाओगे, तो आप क्या करोगे, आप ऊपर से तीन कार्ड को जिस तरीके से आपको स्लाइड करके बाहर निकालना है, एंड निकालने के बाद आप क्या करोगे, जो थर्ड वाला कार्ड है, जो थर्ड क्वीन है, थर्ड का कार्ड जो है वो क्वीन रहेगा, उसके नीचे भी एक क्वीन है, बट आपको थर्ड वाला जो क्वीन है उसके नीचे को जिस तरीके से ब्रेक लेना है, तो आपने ऐसे स्लाइड करना है, एंड तीन नंबर का जो कार्ड है उसको भी स्लाइड करना है, और फिर जब आप जोकर को निकालोगे तो ये जो कार्ड है इसके नीचे आप इस तरीके से पिंकी ब्रेक ले लेना, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आप दोनों जोकर को फ्लिप करके उस कार्ड के ऊपर रखोगे, एंड फिर ब्रेक के ऊपर जो क्वीन वाला ब्रेक है उसके ऊपर के दोनों जोकर तीन कार्ड को आपको एक साथ पकड़ के कुछ इस तरीके से लिफ्ट करना है, एंड लिफ्ट करने के बाद आपको जो ऊपर का जोकर है उसको आपको स्लाइड करना है, ठीक है, ध्यान से करना क्योंकि यहाँ पे एक डबल क्रिएट होगा, तो कुछ इस तरीके से साइन करना है, स्लाइड करना है, एंड फिर यहाँ पे जो है मेरे पास दो कार्ड है, जो क्वीन है और फिर एक जोकर है, तो इसको ध्यान से इसके ऊपर अलाइन करके रखना है। अब अलाइन कैसे करोगे वो भी डिपेंड करता है, तो आप कैसे अलाइन करोगे, कुछ इस तरीके से आप जो है ये जो कॉर्नर है, ये वाला पॉइंट जो कॉर्नर है उसके ठीक जो ये ऊपर का जोकर है उसका जस्ट इस एरिया पे आपको जिस तरीके से रखना है, और ये वाला कॉर्नर इधर रहेगा, इससे क्या होगा ये जो कॉर्नर है ना ये ढक जाएगा, ठीक है। एंड इसी बहाने आप जो है वो इस सिलेक्शन को बीच में रखने के बजाय जो है आप इन तीनों कार्ड के नीचे रखोगे, और ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि आप उस कार्ड को बीच में रख रहे हो। तो फिर इस तरीके से अलाइन करने के बाद आप क्या करोगे, आप स्पेक्टेटर को बोलोगे कि अभी आपका जो सिलेक्शन है उसको देखना है, ठीक है, तो आप उसका सिलेक्शन देखोगे जो कि होगा सिक्स ऑफ डायमंड। फिर आप उसको बोलोगे कि अभी हम क्या करेंगे, सिक्स ऑफ डायमंड को इन दोनों कार्ड के बीच में रखेंगे, एंड पहला बार जो आपको सच में इसको बीच में रखना है, बट बीच में रखने के बाद आपको जो है इसको फ्लिप करना है। ये जो आप बीच में रख रहे हो इसका रीज़न ये कि इस काइंड ऑफ स्पेक्टेटर कन्विंस हो जाएगा जब आप इसको फेस डाउन करके रखोगे कि आप सच में जो है कार्ड को बीच में ही रख रहे हो। तो फिर आपको क्या करना है, ऐसे बीच में रखना है, फिर आपको बोलना है स्पेक्टेटर को नहीं नहीं हम इसको फेस डाउन नहीं रखेंगे, मतलब फेस अप नहीं रखेंगे, सॉरी हम इसको फेस डाउन रखेंगे। तो आप फिर इस तरीके से कार्ड को निकालना, एंड फिर उसको आप इस तरीके से फ्लिप करना, और फिर ये जो कार्ड है, ये जो नीचे का जोकर है, ठीक उसके नीचे को जिस तरीके से रख देना है, और फिर रखने के बाद आपका जो ये वाला हाथ है ये आगे की तरफ जाएगा, एंड फिर आप इन तीनों कार्ड को इस तरीके से स्लाइड करके स्क्वायर अप कर दोगे, और फिर स्प्रेड करके जो बीच का क्वीन है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और जब आप इसको फास्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का लगेगा देखने में। ये स्विच जो है काफ़ी इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे मैंने जोकर किया, फिर मैंने बोला कि इस पे अभी आपका कार्ड चेक करेंगे, तो आपका जो सिलेक्शन है वह सिक्स ऑफ डायमंड। अभी हम क्या करेंगे, इसको बीच में रख देंगे कुछ इस तरीके से, बट फेस अप नहीं रखेंगे, इसको हम लोग अभी फेस डाउन रख देते हैं कुछ इस तरीके से, एंड अभी हम इन तीनों कार्ड को रख देंगे टेबल पे। इसी बहाने जो है आपने वो सिलेक्शन के साथ जो क्वीन है उसको स्विच कर दिया कुछ इस तरीके से, एंड अभी स्पेक्टेटर को लगेगा कि दोनों जोकर के बीच में उसका सिलेक्शन है, बट इन रियलिटी जो सिलेक्शन है डेक के ऊपर है, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, आप एक रिफिल फोर्स करोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगर आप मैजिक कार्ड मैजिक वगैरह कर रहे हो तो ये सबसे आसान फोर्स है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस तरीके से डेक को एक स्विंग कट करोगे जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे एक ब्रेक लोगे एंड फिर इसको इस तरीके से ऊपर रख दोगे, ठीक है। सामने से कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा एक मतलब समझ में नहीं आएगा उतना, बट पीछे से जो आपने एक ब्रेक लिया हुआ है पिंकी के हेल्प से, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप थंब से रिफिल करोगे कुछ इस तरीके से, एंड नो मैटर वो कहीं भी स्टॉप करे, मान लेते उसने स्टॉप किया यहाँ पे, आपको सिंपली वो जो ब्रेक है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से ब्रेक करके इसको ऊपर ले आना है। इससे एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि आप जो है फ्रीली सिलेक्शन करा रहे हो, बट इन रियलिटी आप कार्ड को फोर्स कर रहे हो। तो स्टॉप यहाँ पे एंड कुछ इस तरीके से, एंड इसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो है काफ़ी सिंपल है, आप एक डबल लिफ्ट करोगे, ठीक है, और डबल लिफ्ट करने के बाद जो क्वीन है वो आएगा ऊपर कुछ इस तरीके से, एंड उसका सिलेक्शन रहेगा नीचे, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा सिलेक्शन। एंड फिर आप क्या करोगे, बोलोगे कि इस कार्ड को भी हम लोग लेंगे और रख देंगे सैंडविच जो है उसके ऊपर, एंड अगर मैं इस तरीके से इसको फ्लिप करता हूँ तो आपका जो सिलेक्शन है वो जंप कर जाता है यहाँ पे, और जो क्वीन ऑफ हार्ट्स है वो चला जाता है दोनों जोकर के बीच में कुछ इस तरीके से। ये सैंडविच स्विच का इफेक्ट, इसमें आप सिलेक्शन करवाते हो फिर वो सैंडविच में रखते हो एंड फिर वो जो है स्विच हो जाता है, तो काफ़ी इंप्रेसिव इफेक्ट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।